नमस्कार, नगरी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी जायल विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरणों के बारे में, और आज बात करते हैं राजस्थान की उस सीट के बारे में जो राजस्थान की राजधानी में बसा वो क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बस्सी विधानसभा सीट के बारे में। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लक्ष्मण मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने चंद्रमोहन मीणा पर विश्वास जताया है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, बस्सी विधानसभा सीट पर कुल 2,08,977 वोटर्स थे और उनमें से निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मण मीणा को 79,878 वोटर्स ने वोट देकर विधायक बनाया था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार कन्हैया लाल 37,114 वोटर्स का भरोसा जीत पाए थे और वह 42,764 वोटों से चुनाव हार गए थे। इससे पहले साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बस्सी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अंजू देवी ने जीत हासिल की थी और उन्हें 48,095 वोटर्स का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव साल 2013 के दौरान इस सीट पर NPEP उम्मीदवार अवंती मीणा को 36,756 वोट मिले थे और वह 11,339 वोटों के अंतर से हार गई थी। साल 2018 के चुनावों में कुल 83% वोट पड़े थे। पिछले चुनावों में बस्सी विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स 203,243 थे, जिनमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 105,676 थी, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 97,569 थी। आपको बता दें कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 29.16%, बीजेपी को 28.03% और अन्य को 42.49% जनता का समर्थन प्राप्त है। इस हिसाब से देखें तो वर्तमान विधायक लक्ष्मण मीणा अन्य से पीछे रहे हैं। जाति आंकड़ों के मुताबिक यह सीट मीणा बहुल्य सीट मानी जाती है, जिसमें ब्राह्मण समाज भी काफी प्रभावी है, लेकिन साल 2008 के बाद यह सीट ST वर्ग के लिए रिजर्व सीट घोषित की गई। यहां लगभग 70,000 मीणा, 60,000 के करीब ब्राह्मण, SC वर्ग के लगभग 45,000 वोटर्स हैं जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। OBC वर्ग की बात करें तो OBC के वोटर्स की कुल संख्या 20,000 है जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहे हैं। बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 1962 से 2018 तक कुल 13 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से बीजेपी 4 बार, कांग्रेस 3 बार और निर्दलीय पार्टी 3 बार जीत चुकी है। द नगरी न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे उन विधानसभा क्षेत्र की जिस पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों की नजरें सबसे ज्यादा टिकी हुई है। नमस्कार।